नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बार एसटीएफ ने ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्टरों से उनकी ओवरलोडेड ट्रक को रुपए लेकर हाईवे पार करवाता था। यूपी एसटीएफ के मुताबिक पकड़े गए चार अभियुक्त की कई दिनों से सूचना मिल रही थी। ये सभी लोग लखनऊ के आसपास जिलों के ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्टरों से संपर्क करते थे और उन्हें आश्वासन देते थे कि उनके ओवरलोडेड ट्रक को हाईवे पार करवा देंगे और उनके एवज में उन्हें प्रति ट्रक 5,000 देने होंगे। लखनऊ की एसटीएफ यूनिट ने ऐसे चार लोगों को गिरफ्तार किया है जो पैसे लेकर हाईवे पर रेकी करकर बकायदा ट्रक ओवरलोड ट्रक पार कराते थे। एसटीएफ ने उन्हें विभूति थाना क्षेत्र से पकड़ा है और बकायदा जो पकड़े गए लोग हैं वो ट्रांसपोर्टरों से और ट्रक ड्राइवरों से बकायदा हर ट्रक पार कराने का 5,000 रुपये तक लेते थे। एसटीएफ उनके पास से जाली कागज के साथ साथ अवैध पिस्टल का लाइसेंस बरामद हुआ है और एसटीएफ के मुताबिक इन लोगों से जुड़े और लोगों की भी तलाश है और फिलहाल इस बात का खुलासा एसटीएफ बहुत जल्द कर सकती है या फिर करने वाली है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि एसटीएफ लगातार सफलता पा रही है तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके दिल में भी एक खौफ बना हुआ है कि एसटीएफ उन्हें पकड़ेगी। जी बिल्कुल, एसटीएफ उन्हें पकड़ेगी और बहुत जल्द एक बड़ा खुलासा करेगी। राजधानी में बीती 20 जनवरी को एसआर ग्लोबल कॉलेज में प्रिया राठौर की मौत की गुत्थी अब और भी उलझती जा रही है। प्रिया के पिता जसराम ने पुलिसिया कार्य से नाखुश होकर अब सीएम योगी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। प्रिया के पिता के मुताबिक एसआर ग्लोबल कॉलेज सीतापुर से बीजेपी के एमएलसी पवन सिंह चौहान का होने और लगातार कॉलेज प्रबंधन का बयानों का बदलना भी एक बड़ा सवाल पैदा करता है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि प्रिया राठौर की मौत का राज कब तक खुलता है या सीबीआई जांच होती है या नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने अपनी जांच पुलिस के सुपुर्द कर दी है जिसमें बताया गया है कि प्रिया या तो छत से गिरी है या किसी ने धक्का दिया है। इस पर मैंने भी एक्सपर्टों को दिखाया जिन्होंने बताया कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर पैर की हड्डी टूटने के साथ घुटनों का टूटना एवं पूरा मेन मैग्नन हड्डी अवश्य टूटती है। यदि किसी अवरोध में टकराती है तो सर फूटना तय हो जाता है, परंतु प्रिया के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। कलाई में चोट है जो कि गिरने से नहीं लगेगी और गर्दन पे चोट है जो कि गिरने से नहीं होगी। या तो ये लोग फिर वो जगह छुपा रहे हैं, कोई दूसरी जगह ये घटना घटी होगी, लेकिन इन सब के पीछे पवन सिंह ही अपने दबाव में फॉरेंसिक रिपोर्ट एवं पुलिस को दबाव में लिए हुए हैं। लखनऊ के बीकेडी थाना क्षेत्र में बने एसआर ग्लोबल कॉलेज प्रिया राठौर की मौत की गुत्थी अब और भी उलझती चली जा रही है। प्रिया राठौर के पिता ने अब सीएम योगी से गुहार लगाई। उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली क्योंकि शुरुआती दौर में पुलिस ने सीन का रिक्रिएशन भी करवाया, उसके बावजूद फॉरेंसिक का मदद मिली और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद साफ साफ ये भी जाहिर होता है कि हत्या। और रही दूसरी बात, एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ इस बात का खुलासा होता है कि प्रिया की मौत रीढ़ की हड्डी टूटने और ब्रेन हैमरेज से और उंगलियां टूटने से हुई, तो वहीं पुलिस लगातार इस बात की जाँच भी कर रही है कि प्रिया की मौत के पीछे कौन लोग हैं और क्या वजह है। फिलहाल उसके पिताजी ने सीएम योगी से अपील की है, सीएम योगी से फरियाद लगाई है और सीबीआई जांच की भी मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि उनके पिताजी की बात सीएम योगी तक कब तक पहुंचती है और ये जांच का कब तक खुलासा कर पाती है पुलिस। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।